नमस्कार दोस्तों मैं हूं आलोक स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर इस टाइम पर मैं वीडियो कम लेकर आ पा रहा हूं और मैं बहुत ब्रॉड टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ फिर भी मुझसे जितना बन पा रहा है मैं वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ें वीडियो की तो बात ही छोड़ दीजिए मैं गार्डन के लिए समय निकाल पा रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को ये चीज़ लगेगा मेरे घर में शादी है और मेरी खुद की सिस्टर की शादी है और इस चक्कर में मेरी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं अगर एक कदम कहीं भी रखना है तो वो मेरी मुझे ही सोच समझ कर रखना है दिमाग तो 24 घंटे सोते जागते बस उधर ही लगा हुआ है जिस दिन शादी निपट जाएगी उस दिन जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करके फिर से अपने गार्डन वर्क में प्रॉपरली आ सकूँगा लेकिन फिर भी मुझे अगर शाम को थोड़ा सा समय मिल जा रहा है तो मैं अपने गार्डन को जरूर दे रहा हूँ और ख़ास तौर तो पर ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे कर पा रहा हूँ ही साइड स्प्रे कर पा रहा हूँ सिर्फ पानी दे देकर इनको बचा कर रखना है किसी तरीके से तेईस चौबीस तारीख तक जब फ्री हो जाऊँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कैलेंचो प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूं। कैलेंचो प्लांट सम की समर केयर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है और इस टाइम पर वो गलतियां करते हैं इस चक्कर में उनके कैलेंचो के पौधे खराब हो जाते हैं सबसे पहला तो जो कैलेंचो प्लांट की केयर में आपको करना है इनको शेमी शेड में रखना है डायरेक्ट सनलाइट एरिया इनको नहीं देना है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इनको रखेंगे तो ये पौधे आपके खराब होंगे तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि पौधा आपका सिर्फ ब्राइट लाइट एरिया में हो इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट लाइट ना पड़े दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है मिट्टी के अंदर नमी की क्षमता को नमी को बरकरार रखना मिट्टी के अंदर अगर नमी बरकरार रहेगी तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा ज़रूर लेकिन अगर नमी कम हुई तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपका पौधा धीरे धीरे करके खराब होगा होगा क्या कि जैसे न आपने पानी नहीं दिया तो जड़ें जब मिट्टी ड्राई होगी तो उसके साथ जड़ें भी थोड़ी थोड़ी सूखेंगी जो प्राइमरी रूट्स होती हैं पतली पतली बिल्कुल और जब आप पानी दे देंगे तो वो जड़ें तुरंत जो हैं जो सूखी होंगी वो गल जाएंगी और गलने के बाद पौधा जो है वो रॉट होकर ख़राब हो जाएगा तो नमी बरकरार रखना है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है मिट्टी को चेक करके ही पानी देना है पौधे को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है बाकी पौधों के तरीके से इसको नहला कर पानी मत दीजिएगा क्योंकि तो जब इसको बहुत ज़्यादा आप नहला देंगे तो फिर होगा क्या कि फंगस का शिकार होगा और आपका पौधा ख़राब हो सकता है तीसरी चीज़ जो करना है हर पंद्रह से बीस दिन के अंतराल पर फंजी का स्प्रे आपको अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करना है देखिए मेरा पौधा दोबारा से फ्लावरिंग पर आ रहा है एक बार मैंने इनकी सारी फ्लावरिंग स्टिक्स कट करी थी देखिए यहाँ से कट किया हुआ है इसके बाद यहाँ से कट किया, किया हुआ है ये यहाँ से कट किया हुआ है यहाँ से कट किया हुआ है तो अगर आप लोगों ने भी समय से ये फ्लावरिंग स्टिक्स कट की होंगी तो डेफिनेटली आपके प्लांट के ऊपर भी फ्लावर्स आ रहे होंगे और नहीं भी आते तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ये इनका फ्लावरिंग टाइम नहीं है अभी मार्च अब सॉरी अप्रैल की पंद्रह तारीख है और इस टाइम पर कैलेंचो के अंदर फ्लावर्स आना बहुत बड़ी बात होती है और क्योंकि तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और इनका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो नवम्बर से लेकर मार्च तक का होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगली चीज़ है समय समय पर फंजी का स्प्रे करना जिससे पौधा फंगस का शिकार ना हो हर पंद्रह से बीस दिन के अंतराल पर सुबह सुबह आपको सात से आठ बजे के बीच में फंजी स्प्रे कर देना है जैसे दिन में आपका पौधा सूख जाए और फंगस इसके ऊपर नापन पे बाकी मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं नॉर्मली आप उन चीज़ों का प्रोसीजर अगर फॉलो करते रहेंगे खाद कोई नहीं देना है खाद अब सीधे जो है सितंबर में दीजिएगा जब इनका ग्रोइंग पीरियड धीरे धीरे ग्रोइंग और फ्लावरिंग टाइम जो है ग्रोइंग पीरियड तो चाहिए चल रहा है जब इनका फ्लावरिंग टाइम आएगा जिससे ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर सकें डेड फ्लावर्स अगर हो, तो उनको कट करके हटा दीजिए और अभी कोई खाद मत दीजिएगा सितंबर में खाद देना है जो तो जो खाद देनी है वो की, वो भी मैं वीडियो के अंदर आप लोगों से जरूर शेयर करूँगा इस वीडियो को यहीं करते हैं मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर